राधा ने हाल ही में अपने पिता को खोया था। दिसंबर 2020 कोविड महामारी चारों ओर फैली हुई थी। पिता को गए हुए अब लगभग लगभग 40 दिन बीत चुके थे। जिस पिता ने उन्हें लाड़ प्यार से पाला वो हमेशा राधा के लिए एक ताकत का स्तंभ थे। शायद दुख की इस खाई को पाटना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी राधा पूरे हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही थी। और उनकी इस हिम्मत और जज्बे के पीछे थे एविएटर ऋषभ, भारतीय सेना के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा, एक प्रतिभाशाली, काम के प्रति समर्पित, जोश से लबरेज सैनिक। पत्नी राधा और बेटे पार्थ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ की जिंदगी एक तरीके से पूर्ण थी। इसके अलावा वो जीवन से कुछ भी नहीं चाहते थे। पत्नी राधा के पिता का निधन हो गया था, इस वजह से ऋषभ ने अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया ताकि राधा को अकेलापन महसूस ना हो। 25 जनवरी 2021 साल का सबसे सर्द दिन, हाड़ कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ देखते हैं कि उनकी पत्नी किचन में बर्तन धुल रही है। कोरोना की वजह से पूरे कैंटोनमेंट में रिस्ट्रिक्शन थी, मेड को नहीं बुलाया जा सकता था। पूरे घर का काम राधा ने अकेले अपने कंधों पर ले रखा था। ऋषभ उनकी मदद करते थे जितनी उनसे मुमकिन हो सकती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ और राधा ने अरेंज मैरिज की थी, लेकिन पहली नजर का दोनों को प्यार तो हुआ ही था। शाम के करीब 5:30 बजे थे, ऋषभ अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जाते जाते पत्नी से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम थकी हुई लग रही हो। राधा को छेड़ते हुए ऋषभ ने कहा, मम्मी पापा के आने से तुम्हारा काम काफी बढ़ गया है ना, तुम जाओ आराम करो, मैं ड्यूटी से आकर 1 घंटे बाद आऊंगा और तब सारे बर्तन खुद धुल दूंगा। राधा ने भी ऋषभ को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, काम तो बढ़ गया है और अब तो तुम बर्तन धुलोगे ही ताकि तुम अपने माता पिता को दिखा सको कि मैं तुमसे कितना काम करवाती हूं। ये बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। ऋषभ ने जाते जाते कोई बर्तन मत धुलने का वार्निंग दी राधा को और कहा कि मैं आकर सारे बर्तन धुल दूंगा, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे एक नाइट ऑपरेशन पर जाना है। राधा ने फिर से चिढ़ाते ही हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो कि तुम फ्लाइट कमांडर हो, फ्लाइट कब उड़ेगी कब नहीं सब तुम्हारे हाथ में है, आज मत जाओ, देखो कितना ठंडा दिन है और मम्मी पापा की घर पर ही सेवा करो। ऋषभ ने इस बार जो जवाब दिया उसके बाद राधा के पास कुछ नहीं बचा था पूछने को। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ ने कहा, राधा मैं भी चाहता हूं कि माँ पापा के साथ मैं रहूं, लेकिन सोचो मैं अपने यंग अफसर्स पर क्या उदाहरण साबित करूंगा कि माता पिता के पास रहने के लिए, यह ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने अपने कर्तव्यों से समझौता कर लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए देश पहले था और हमेशा रहेगा, हाँ ये वादा है कि वापस आते ही सारे बर्तन साफ कर दूंगा, तब तक तुम उन्हें हाथ मत लगाना वरना मैं बात भी नहीं करूंगा। और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल चले गए, वो कभी वापस नहीं आने के लिए चले गए। उनकी पत्नी राधा को क्या मालूम था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, ये उनकी आखिरी बात थी, इसके बाद वो कभी लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ को नहीं चिढ़ा पाएंगी। करीब 7:30 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ के सीओ और उनकी पत्नी घर पहुंचे। धीरे धीरे बाकी लोग भी जमा होने लगे, वो घबरा गई, शायद आने वाली अनहोनी को उन्होंने भांप लिया था, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ऋषभ एक बेहतरीन पायलट हैं। उन्होंने कई वर्षों तक सिंगल इंजन वाला चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया है, वहीं दूसरी तरफ रुद्रा हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला एक उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर है जो कि ज्यादा सुरक्षित है, तो उस हेलीकॉप्टर के साथ कुछ होना नामुमकिन सा था। राधा को लगा सीईओ और उनकी वाइफ उनके पिता के निधन के लिए उन्हें सांत्वना देने आए हैं, लेकिन जैसे ही सीईओ राधा के पैरों के पास बैठे और उनकी पत्नी सिसकने लगी, राधा को आभास हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है। उनकी दुनिया पलट गई जब उन्होंने सुना कि लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा ने 25 जनवरी 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वीरगति को प्राप्त कर लिया है। एक बेहतरीन पायलट, सही मायनों में आर्मी एविएशन के लिए ये एक बड़ा झटका था क्योंकि वो सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर नहीं थे बल्कि वो आने वाले पायलट्स की पीढ़ी को भी तैयार कर रहे थे, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। अंतिम समय तक लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ ने साहस और समझदारी का परिचय दिया क्योंकि उनके को पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित बच गए थे और हेलीकॉप्टर क्रैश में किसी को भी कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था।
एटीएस में जो रिकॉर्ड हैं उसको सुनने के बाद जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई तो पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा चाहते तो आसानी से अपनी जान बचा सकते थे, वो आसानी से पैराशूट से निकल सकते थे जब उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी तब। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने जूनियर को पायलट को सुरक्षित निकाला और फिर वो हेलीकॉप्टर को उड़ाकर रिहायशी इलाके से दूर ले गए ताकि कोई और परिवार तबाह ना हो। और ये सब करते वक्त वो पूरे होश में थे और एकाग्र थे। उनके को पायलट ने बताया कि हम दोनों आसानी से बच सकते थे। उनके को पायलट का परिवार आज भी लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का एहसान मानता है कि उनके बेटे को उन्होंने दूसरी जिंदगी दी। हम और आप तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते अपने कर्तव्यों के प्रति उनके इस समर्पण को, कैसे उन्होंने अंतिम समय में भी अपनी और अपनी पत्नी अपने बेटे की परवाह नहीं करते हुए अपने साथी को पहले बचाया। एक सैनिक के लिए देश से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता, कर्तव्य सबसे पहले हमेशा आता है और इस ऋण को हम भारतवासी कभी नहीं चुका पाएंगे। वीरांगना राधा के लिए ये दर्द और गर्व दोनों का क्षण था क्योंकि उनके वीर सुहाग ने एक असली योद्धा की तरह अंतिम वक्त तक अपने लोगों की रक्षा के लिए सोचा। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। राधा जी के पैरों पर बैठे सीओ साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक सुपर हीरो थे और एक सुपर हीरो की ही तरह उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। शायद उनके लिए इससे अच्छा जाने का रास्ता नहीं हो सकता था कि जिस हेलीकॉप्टर को वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो उसी के साथ अपनी आखिरी अनंत उड़ान पर चले गए। 6 साल के बेटे पार्थ का नाम भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ ने ही रखा था। ये नाम उन्होंने महाभारत के अर्जुन के नाम पर रखा था। आध्यात्म से उनकी बहुत रुचि थी। रामायण और गीता का पाठ करना, ध्यान करना, गौशाला में सेवा करना, ये सब करते थे जब भी उन्हें खाली समय मिलता था। हम राधा जी जैसी वीरांगनाओं का ऋण शायद कभी नहीं चुका सकते जिन्होंने हमारी अखंडता आजादी के लिए अपना सब कुछ देश पर बलिदान कर दिया ताकि हम और आप चैन और अमन से रह सकें। न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे खानदान को उन पर नाज था और सबको पता था कि ऋषभ का जन्म किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं हुआ बल्कि किसी बड़े लक्ष्य, किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। 12वीं पास करने के बाद ऋषभ ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट और आर्मी चारों के लिए क्वालिफाई किया था। वो चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी, मोटा पैसा चुन सकते थे लेकिन उनके दिलो दिमाग में तो यूनिफॉर्म और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रचा बसा था। भारतीय सेना को लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ ने इसीलिए चुना था कि वो देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करेंगे लेकिन इंडियन आर्मी एविएशन में जाने का उनका मकसद था अपने लोगों की सेवा करना, उनकी जान बचाना, अपने सैनिकों को सही वक्त पर मदद पहुंचाना, आपदा में देशवासियों के काम आना। सच पूछे तो लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। एविएशन ज्वाइन करने के बाद काफी समय तक उन्होंने चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया। उस दौरान उन्होंने क्षेत्र में अपना योगदान दिया। जब सरहद पर कोई जवान दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता तो लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ को ही ये जिम्मेदारी दी जाती कि वो शहीद के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक समय से पहुंचाएं। उन्होंने देश के कई सम्मानित व्यक्तित्वों के साथ भी उड़ानें भरी। दिन रात उनके लिए मायने नहीं रखते थे, उनके लिए तो सिर्फ उनका हेलीकॉप्टर और अनंत आकाश था। पहाड़, रेगिस्तान, पानी, हर जगह अपने साथियों तक राशन, हथियार पहुंचाना, दुश्मनी इलाके में साथियों जवानों को ऑपरेशन के लिए लेकर जाना, इन सभी कामों में लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ को महारत हासिल थी। हमें एक राष्ट्र के तौर पर यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आजादी हमें मिली है वो मुफ्त में नहीं मिली, इसकी कीमत रोज हजारों सैनिकों ने अपने प्राण देकर चुकाई है। आज लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।